ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार किसान भाइयों, ये है हमारा 5 HP का पंप और हम खेत में लिक्विड देने के लिए ये इसी जगह पर ये फिल्टर लगा हुआ है और ये वाल है जिससे जो लिक्विड खेत में देते हैं वो वापस कुएं में नहीं जाता, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। और ये जेन का फिल्टर है और ये कुएं के नज़दीक ही फिट किया है ताकि हर खेत में जो लिक्विड दे सके और पानी भी फिल्टर होकर ड्रिप में जाता है। जो ये है मल्चिंग पेपर पे हमने खीरे की बुआई की है, अभी लगभग खीरा 10-12 दिन की हो चुकी है। ये 1.25 फुट अंतर में लगाया हुआ खीरा है और कतार से कतार का अंतर 4 फीट है ताकि बाकी के काम आसानी हो सके। और ये ड्रिप के लिए इनलाइन ड्रिप डाला हुआ है तो ड्रिप को टाइट करने के लिए लास्ट में टुकड़ों की सहायता ली गई है। और बीच में ये जो देख रहे हैं तो बीच में पाइप डाला हुआ है, दो साइड दो ड्रिप लगाए हुए हैं और इस 1 एकड़ में लगभग खीरे के लिए 6 पैकेट 25 ग्राम के लगे हुए हैं। ये रही खीरा, मल्चिंग पेपर 3.75 फुट का 6 बंडल लग चुके हैं। ये रही हमारे अंगूर की खेती, यही उसी कुएं से पानी जाता है और वहीं से लिक्विड जहाँ पर ड्रिप है वहाँ पे लिक्विड की नली डाल के लिक्विड दिया जाता है। ये रहे हमारे लिक्विड देने के कॉक, इसे ऑन ऑफ किया जाता है, यहाँ से लिक्विड दे देते हैं। और ये रहा खीरे के लिए लिक्विड का कॉक, इसको चालू किया और यहाँ नली जोड़ी, यहाँ से लिक्विड दिया जाता है। जो सोल्यूबल वाटर सप्लाई लिक्विड होते वहीं पे पूरी खीरा रहेगी। अब आप देख रहे हैं ये फिटिंग हमारे मल्चिंग पेपर की और खीरे की बुआई हमारे पूरे बगीचे में और पूरी खेती में डायरेक्ट कुएं से फिल्टर होकर पानी जाता है और जहाँ चाहे वहाँ लिक्विड की नली में फिट लिक्विड पिस्टन से दिया जाता है।